नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूँ आपके साथ कोमल गंगवार। महाराष्ट्र से आ रही बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से बड़ी संख्या में मजदूरों की संख्या को देखा गया है। जी हाँ, जिस तरीके से दिल्ली के आनंद विहार में मजदूरों की एक बड़ी संख्या देखी गई थी, हुजूम देखा गया था, अब वही हाल मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ये मजदूर वहां पर लॉकडाउन खत्म होने की उम्मीद से गए थे, अपने अपने घरों के लिए निकले थे। उनकी उम्मीद थी कि आज वो शायद अपने अपने घरों के लिए निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही ये तारीख बढ़ने का ऐलान उन्होंने सुना, उन्होंने अपनी मांगे सामने रखी कि उन्हें अपने घर वापस जाना है किसी भी हालत में। जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, क्योंकि ये जमावड़ा वहाँ से हटने का नाम नहीं हुआ। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर किस तरह से मजदूरों का एक हुजूम उमड़ पड़ा, जो कि घर जाने की मांग करने लगा। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि किस तरीके से दिल्ली के आनंद विहार में भी इस तरीके का हुजूम देखने को मिला था। प्रवासी मजदूर जो मांग कर रहे थे उन्हें घर जाने की, इस तरीके की एक भीड़ बांद्रा स्टेशन पर भी देखने को मिली। आप पूरी जानकारी जानेंगे हम महाराष्ट्र के संवाददाता अमरनाथ से। अमरनाथ, क्या हाल है वहां के? हाल तो बहुत बुरा है, और सबसे बड़ी बात है कि आज लॉकडाउन मतलब खत्म होने के बाद मतलब होने वाली थी, कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे, तो उसी में तो सब लोगों की तैयारी थी कि चलो आज अपना खत्म होगा तो ट्रेन अपना चलेगी तो हम लोग वापस गांव की ओर चले जाएंगे। तो एक सब्र का बांध था तो जो अपना टूट गया, फिर लगा कि फिर अपना 3 मई तक, फिर 15 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा, फिर मुझे दिक्कत अपना सहना पड़ेगा, तो वो सब मतलब सब्र का बांध जो फिर अपना टूटा। और शायद कुछ लोगों का कहना है कि मतलब किसी ने अब अफवाह फैला दी कि अपना से ट्रेन चलने वाली है तो फिर लोग अपने जाएंगे, तो फिर तो इसी तरीके से सब लोग इकट्ठा होते हुए और सब लोग बांधा तब ईस्ट में और ईस्ट में डिपो के पास से सब जमा हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बांद्रा ईस्ट और ईस्ट के पास में चौल और झोपड़पट्टी वाले लोग ज्यादा हैं, उसमें मजदूर लोग ज्यादा रहते हैं, और जगह काफी बड़ी है और ये चौल भी सबसे बड़ी चौल है, तो उसमें संख्या ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोग काठपत्री का घर अपना बना लिए हैं, तो उसमें 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक बनाते, और लोगों को सिर्फ बैठने की जगह होती है, तो और फिर गर्मी बढ़ते जा रही तो उस परेशानी से सब लोग फिर परेशान होकर एक साथ इकट्ठे जमा हुए, तो पुलिस को फिर मतलब उसको काफी कंट्रोल करना पड़ा और लाठी चार्ज करके फिर मतलब लोगों को अभी भगाया गया है। लेकिन मामला अभी शांत हुआ नहीं है। इस मामले को उद्धव ठाकरे रात को 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर इसके बारे में बताएंगे कि आखिर कैसे हुआ है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने हमला बोला है सीधा कि क्यों केंद्र सरकार ने उनके आने जाने की व्यवस्था नहीं की, इन लोगों को खाने पीने रहने की जरूरत नहीं है, अपने घर जाने की जरूरत है, तो इस पर वहाँ का प्रशासन क्या कर रहा है? सबसे बड़ी बात है कि जिसे मतलब खाना पहुंचाने की अपना बात हो, चाहे मतलब राशन अपना देने की बात हो, जिसे चौल में मतलब एक तो जगह कम है, लोग अपना ज्यादा है, अगर कुछ अगर बांटने भी जाते हैं, देने भी जाते हैं, तो लोगों को इतना भी इकट्ठा जमा हो जगह की वो समर्थ अपने नहीं है, और लोगों को है कि फिर अगर बाहर सड़क पे बुला के लंबी लाइन अगर लगा के फिर अगर कुछ अगर बांटते हैं राशन वाले, तो फिर इससे फिर अपना दिक्कत है। तो खासकर और ऐसा नहीं कि अपना सरकार ने मतलब राशन का खाने पीने की व्यवस्था आप तक खूब ले रहे, लेकिन चौल में मतलब उसको बांटना वितरित करना मतलब सरकार के बस की बात है ही नहीं। और जितने भी लोग थे मतलब बिहार के थे, यूपी के थे, राजस्थान के थे, सब अपने कमाने वाले थे, और खासकर वो लोग सिर्फ अब दिन भर अपना काम करते थे, रात भर बस उन्हें अपना सोते थे, तो फिर बस उसी जगह थे। अब सोचिए कि मतलब 15 दिन 20 दिन सिर्फ उस मतलब कारपति वाले
जगह में सिर्फ न फिर अपना बग्घी की सुविधा रहती है और फिर अगर बाथरूम भी जाना है तो घर से बाहर फिर अपना जाइए तो फिर मतलब इतनी दिक्कत है। 15 दिन मतलब कष्ट झेल के तो उन्हें लगा कि आज अपना खत्म होने वाला है, तो फिर लोगों की एक तैयारी थी कि चलो आज अपना निकल जाएंगे गाँव की, तो एक सब्र का बांध अपना टूट गया तो लोगों से रहा नहीं गया, सब लोग सड़क पे उतर गए। फिर वही खासकर बांद्रा से बांद्रा टर्मिनल नजदीक है और बांद्रा से भीटी जाने का फिर अपना रास्ता है, तो एक मतलब सेंटर अपना पॉइंट है कि मतलब वहां से सब कथित हुए। फिर उसके बाद पता नहीं चला कि लॉकडाउन में इतने भीड़ इकट्ठा हो जाएगी और सेम घटना जैसे आनंद विहार दिल्ली में जो हुई थी सेम घटना बांद्रा में घटी है। जी आनंद विहार की घटना की अगर बात की जाए तो उसके बाद यूपी की सरकार ने 1000 बसें शुरू कर दी थी, क्या इस तरीके का वहां पर कोई राज्य सरकार कदम उठाने की सोच रही है? देखिए राज्य सरकार मतलब पहले से ही थी मतलब उद्धव ठाकरे तो सबसे पहले फिर अपना कहे थे कि भाई 31 मार्च तक हम अपना सचिव हम अपना बंद करेंगे, लेकिन केंद्र सरकार के भरोसे में रह के काम नहीं हुआ जिसकी वजह से मतलब कुछ अपना दिक्कत हुई है। तो राज्य सरकार मतलब चाहती थी जैसे भारत सरकार की मतलब जो भी बाहर के लोग हैं जो भी दिक्कत है कमाने वाले वो अपने अपने घर पे पहुंच जाए कि मतलब ताकि मतलब ये भीड़ भाड़ यहाँ फिर नहीं हो ताकि मतलब लॉकडाउन करने की सुविधा हो, तो क्योंकि फिर यहाँ पे संख्या ज्यादा है कमाने वाले लोग ज्यादा है और बॉम्बे में खास कर है कि मतलब बहुत सी अपना फैक्ट्रियां हैं फिर इंडस्ट्री में काम करने वाले कितने लोग हैं चाहे वो लाइटमैन हो चाहे वो स्पोर्ट बॉय, तो कितने थे यहाँ पे अपना संख्या थी अपना कमाने वाले लोगों की अपना संख्या जाते हैं और फिर खासकर जो एक बांद्रा है वो करीम नगर मोहल्ला उसको फिर अपना बोलते हैं, तो मतलब वहाँ पे जौन और झोपड़पट्टी में इतनी संख्या ज्यादा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब 3 साल पहले मैं खुद अपनी आंखों से मतलब देखा हूँ कि उस इलाके में एक बार आग लगी थी, आग लगने की वजह से सबको खाली करा दिया गया था, उस जगह को हटा दिया गया था, फिर लोगों ने कब्जा करके जगह को फिर से अपना अजाना बना के रहने लगे थे, तो लोग भी कहीं यार जाते नहीं, तो मतलब इतनी भीड़ मतलब वो पहले से उस मोहल्ले में झोपड़पट्टी में जमा है, तो फिर वहां से निकल के सब मतलब रहा नहीं अपना दिया कि भाई 15 दिन जो झेल लिए फिर 15 दिन और अपना झेलना, तो उनके लिए आसमान में तारे दिखने के बराबर हो गई, तो इसीलिए सारे लोग मिल के इकट्ठा होके सब लोग सड़क में चढ़ाए और इसी बात को लेकर अभी जितने भी टेलीविजन वाले हैं कुछ इसे राजनीति रंग देते हुए अभी डिबेट करने को लगे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका राजनीति खेलने पर लगे हुए हैं लोग, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ। महाराष्ट्र संवाददाता अमरनाथ ने जिस तरीके के हालात बयां करे हैं सोचने वाली बात है कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रवासी मजदूर हैं उनका जमावड़ा उमड़ पड़ा, वहाँ पर जो लोगों का हुजूम था वहाँ पर उमड़ पड़ा, किस तरीके से उन्होंने मांग की अपने घर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लॉकडाउन एक बार फिर से लागू कर दिया गया। आपको बता दें 3 मई तक ये लॉकडाउन चलने वाला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पुलिस की तरफ से जो लाठी चार्ज किया गया है अभी ये मजदूर अपने अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, लेकिन बड़ी बात अब ये है कि इन मजदूरों के लिए किस तरह से ये सहायता देंगे, क्योंकि इन मजदूरों का कहना है कि इन्हें खाने और रहने की जरूरत नहीं है, अपने अपने घरों की तरफ जाना है। चलिए आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने घरों के लिए निकले थे, किस तरीके से ये हुजूम उमड़ा और किस तरीके से पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया। बांद्रा स्टेशन पर देखी गई है, साथ ही साथ जो डिपो है वहां पर भी ये लोग मौजूद थे, इनकी सीधी मांग है कि इनको घर जाना है, रहना खाना इनको नहीं चाहिए, इन्हें
घर जाने की जिद है, तो इस जिद पर क्या केंद्र सरकार कदम उठाती है, क्या राज्य सरकार क्यों करती है? क्योंकि जब दिल्ली के आनंद विहार में ऐसे हालात पैदा हुए थे तो यूपी के 1000 बसें चालू कर दी गई थी ताकि ये लोग जो आनंद विहार के स्टेशन पर बैठे हुए थे, बस डिपो पर बैठे हुए थे, ये लोग अपने अपने घर तक पहुंच पाए। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र में सरकार किस तरीके के कदम उठाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की, तो उनके बेटे ने ट्वीट करके, जी हाँ, आदित्य ठाकरे ने ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से इन लोगों के आने जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? अगर लॉकडाउन 2 लागू करना ही था तो पहले इन प्रवासी मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा? इन मजदूरों को खाने और रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खाना रहना नहीं चाहते, इन्हें अभी चाहिए कि अपनों के साथ में अपने घर जाना चाहते हैं, तो क्यों उनके आने जाने की व्यवस्था नहीं की गई? तो यहाँ पर बड़ा सवाल केंद्र सरकार की तरफ करते हुए आदित्य ठाकरे ने साफ हमला बोला है। साथ ही साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में किस तरीके से ये प्रवासी मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ा, इन पर पुलिस वालों ने लाठीचार्ज भी किया। इस तरीके के हालात दिल्ली के आनंद विहार में थे, वही हालात बांद्रा स्टेशन पर भी देखने को मिले। लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये बड़ा हुजूम देखने को मिला है, पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है। देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर क्या कदम उठाती है, इन मजदूरों के लिए क्या करती है। लेकिन फिलहाल इसी के साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ABC News।